तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पर और ये देखे प्रियम लेटरी। और ये तो मैं शूज पहन लूंगा चलो बाइक पर, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। इधर को देखिए ऊपर देखो जबरदस्ती पर आ रहा, पैर उठा के चाची को हाय करो। चाची जब सुई लगा कैसे करा चाची? आई कैसे करा? हाँ चाची कैसे करा जब सुई लगाए तुम बताओ पहले। चाची कैसे करा जब सुई लगाए? आई कैसे करे? आई कैसे करे? आई कैसे कैसे करे? कैसे करे प्रिया? तू मैं कैसे नहीं करती। ओ क्या कर दिया आपने? हो तो फिलहाल प्रियम थोड़ा रेस्ट कर दिया। इसके सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं सर में दर्द क्यों हो रहा है। इसके मुंह में पता क्यों दर्द हो रहा है? बताओ क्यों हो रहा है? वो तो बड़े ना इसलिए अभी मना किया ना टाइट चीज खाने के लिए, इसलिए ये मानती नहीं। कहाँ चलेगा बाबू? कहाँ पे चलेगा? बम बब्बू को बता दे क्या ले जा रहा। कहाँ यार बब्बू को तो बता पहले। ले चीजी दे दे चलो यहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे जाके बैठो। चलो कहाँ गया था घूमे घूमे करने? पीपी पे। ओ भाई उतरो। ए, ए, चलो चाची को बता पाऊंगी कहाँ गए थे। बस गम हो रही हो? हाँ बस आओ जाओ। क्या कर रही थी? ये भी दाने फैला रखी है। अच्छा अच्छा तू भी तो दाने किधर ही फैलावे? मैं संपत्ति रहूं। ओह माय गॉड। बस बस आज के दिन तो गुड़चड़ी होती। हाँ आज के दिन गुड़चड़ी हो रही थी इस टाइम तो आ जानी थी। हाँ गुड़चड़ी हो रही थी इस टाइम तो। विधान कैसे नाच रहा था तू? कैसे डांस कर रहा था? चाची कैसे नाच? चाची ऐसे 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 कैसे नाच रही थी? बता तो बता कैसे नाच रही थी? विधान भी नाच के विधान कैसे कर रहा था? विधान कैसे नाच? विधान दिखाओ कैसे करेगा बाबू? ऐसे 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 नाच। तो इसका चश्मा भी उसने तार दिया था, तार ही दिया थोड़ा सा। पापा फिर हम दोनों के ना अच्छे अच्छे वो लोग आएंगे थोड़े दिनों बाद, जब पीएम अच्छे से ठीक हो जाएगी ना फिर हमारे रूटीन वाले वो लोग, फिर धीरे धीरे सारे वो लोग दिखाएंगे हम आपको। 3 महीने से तो मैं ऐसे दिखा रही थी क्योंकि मन ही नहीं करता था वो लोग बनाने का। नहीं कुछ मतलब कुछ ना ये बोलते थे अपने पति से काम करवा रही है, इन्हें क्या पता था। पर क्या कोई नहीं जो बोला तो बोल दो। पर मुझे बुरा लगता था उस टाइम पे कि अपने पति से काम करवा रही है। मुझे ना डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था ऊपर उतरने चढ़ने के लिए, इसलिए नीचे ना सिर्फ दिन में एक बार बोला था चढ़ने के लिए उतरने के लिए, मैं वही करती थी इसलिए ज्यादातर ना ऊपर ही ऊपर रहती। तो अब जो है खाने का टाइम हो चुका है प्रियम का भी, प्रियम खाना नहीं खाती मेरे बिना जब तक मैं नहीं आता, मतलब शाम को सुर से ही है तो बैठी रहती है। 1 साल होने वाला है कल को, 1 साल हो जाएगा हमारे साथी को। तो अब जा खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे रात को 11 बजे। छोटे वाला आएगा ना तो कितना कुछ सोचा था हमने ना आज के दिन। हाँ हमने सोचा था कि शादी की सालगिरह कल ना मतलब तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो कुछ नहीं जो हम भगवान को मर्जी होते होते, लेकिन माता रानी ने अगले साल बहुत अच्छे से करेंगे अगर चाह माता रानी ने, माता रानी की दुआ रही हमारे पे। तो तुम था पर ना देखो ज्यादा कुछ नहीं करने का, मैं पहले बता रही नॉर्मल से छोटा मोटा बस जो भी मन में तुम कहो करो ही, मतलब माता रानी में प्रसाद चढ़ाएंगे जाके और कुछ नहीं, मन नहीं है बिल्कुल कुछ भी करने का। कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर करेंगे माता रानी अच्छे से हमारे ढूंढ लेते हैं। तो ठीक है ब्रो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस जो है पिजम का खाना आ चुका है, दाल भी दाल में भीगी रोटी इसके और घी भी घूम रहा है इसके दाल में। और देखे साथ में व्लॉग देख रही है ये मेरा, कैसा लग रहा हमारा व्लॉग है? बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब हम दोनों हम सबका व्लॉग देख रही है। मेरा भी खाना आ चुका है, ये रहा मेरा खाना, मैं भी खाना खाऊंगा, मेरा वेट कर रही थी मोटो। कोई बात नहीं, आपका वेट कर रही हूँ। चलो आप खाइए
और आप बोलते हैं ना एक साल तक ही खोते हैं, तीन महीने तक खोते हैं। मैं जिंदगी भर इनके हाथों से खाऊंगी। हमारी शादी को ना एक साल हो चुका है, आपको पता हो तो, कल को एक साल हो जाएगा। और अब भी ना मोटो अपना से खिला रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप प्यार ना होगा, कुछ लोगों का कमेंट रखता है कि वो ऐसे वैसे फलाना टिकड़ा बनाना, ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा तो देखो जब भी हमारा कभी हुआ तो बात अलग है, एक दिन नहीं खोया दो दिन नहीं खोया, लेकिन खाऊंगा। नहीं लड़ाई झगड़ा हो तब भी खोया आपने मुझे, नहीं मतलब बोला ना लड़ाई झगड़ा तो आगे आगे के लिए कह रहा हूँ, अगर कभी हमारा हुआ इसलिए लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका बहुत बढ़ा देता मैंने। चलो कोई नहीं, आप खाना खाओ, मैं बैठता हूँ, तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। इसने चम्मच ना इसमें डुबो दी थी, देखिए चम्मच ढूंढ रही थी, उंगली देकर घुमा रही थी, चम्मच कहाँ है। अभी टाइम नहीं हुआ, देखो भाई साहब टाइम बताओ जल्दी ना, बिल्कुल नहीं। टाइम देखो टाइम देखो, पूरे बारह। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, वो भी कैसे, आई लव यू, सही है। मैं वहाँ पे अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, हमारा ब्लॉग स्टार्ट करा है। हैप्पी एनिवर्सरी, दावत दे दिए सब, दावत मांग रहे अभी से ही। अब कह रहे हो हमारी बहुत बेकार रही है, बेकार नहीं है एनिवर्सरी, बेकार नहीं बनी, बहुत ही अच्छी है। आप मेरे साथ में बहुत खुश हुई इस चीज से, छोटे मोटे दुख दर्द तो आते रहते हैं, समझे। तो हम जो नहीं करवाने के एनिवर्सरी को, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से लो आपका गिफ्ट। इस बार मैं कुछ नहीं कर पाने की, अगले साल तो मैं बहुत अच्छा करूंगी। लो लेके वापस दे रहे, रात को पूरे 12 बजे विश किया, आज की एक मिनट पहले विश करने लग रहे, चिटर कोपो आप। हमने पहले किया था, देखो तो इनके आंखों में पानी आ रहा है, देखो तो मुझे पता है, मैंने पहले किया था खट्टा मीठा नमकीन भी ले गया मैं, वो भी खिलाई। देख लो केक है, मैं बंटी डोंग दे दूँ। हाँ बंटी डोंग दे दो तो मुझे पार्ले जी खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं वो लोग शूट कर रहा। मैंने को अभी एनिवर्सरी विश कर दिया, पार्ले जी खाने को मिला मुझे, बाकी सब तो सो रहे हैं पता। हमने ना बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस टाइप से हमारी मैरिज एनिवर्सरी होनी, कोई नहीं 1% तक नहीं सोचा था, पर अब जो भी है जैसा भी अब ऐसे ही है, हम इस बार हम सेलिब्रेट नहीं कर लेंगे, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से होगी, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर करेंगे, धूमधाम से डांस वांस फुल होगा, क्योंकि मनीष भाई का पेट भी थोड़ा अंदर फिट वेट हो जाएगा। इनका तो पेट सामने चला गया, जब भी मुझे ऐसे करता है ना मुझे डर सा लगेगा, कभी एकदम पीछे सामने घूमता हुआ मजा भी लगा। मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो जैसे कि हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या फील करो एक साल में, मतलब आपको कैसा लगा, क्या आँखों में पानी आ रहा। मैं सच्ची बताऊँ, मैं मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चॉइस यही है जिंदगी, और कुछ नहीं बोल सकते, वो होता है उसकी बोलने के लिए। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, पर ना कोई नहीं, बहुत अच्छे से, ये तो बात है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो बाय बाय, मेरे साथ ये है ना, मैं उसमें इतनी खुश हूँ ना, मैं इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस ज़्यादा सेंटिमेंट ही मत हो। चलिए तो अब मैं थोड़ी देर में इनसे बात करके उसके बाद मिलूँगी आपसे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो
मैंने इन्हें ना बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक से गाने सुना दिए, भाई साहब ने भी सुने आपने ने सुने? हाँ, सुने पर गाने सुनाए मैंने, जो मतलब मेरे फेवरेट थे गाने वो मैंने इन्हें सुनाए, मेरे मेरे नहीं हम दोनों के ही फेवरेट थे। तभी फिलहाल तो मैंने इतनी छोटी सी जो है रात के टाइम हमारी जो एनिवर्सरी वो हमने ऐसे सेलिब्रेट की गाने सुन के, क्योंकि हम दोनों के फेवरेट गाने सेम हैं इस वजह से ये हटाओ ना। और बस अभी ना हम स्टेटस देख रहा हूँ, स्टेटस देखे मेरे स्टेटस जो हमारी शादी के एल्बम में लगेगी ना तो वो फोटो मैंने लगा दिए थे, क्योंकि मेरी जब मैंने एप्पल का फ़ोन दिया था ना उन्होंने दिया था तो सारे फोटो सब इनके फ़ोन में चले गए थे, इनसे लिए ये मुझे दे नहीं रहे थे फोटो, मैंने फिर भी इनसे ले लिए थे। रिप्लाई कर रहे हैं मेरे मैसेज का, करो करो सिद्धरा का भी आ गया, आपके भी आ गए, नहीं आ रही थक गया कुछ ज्यादा थक गए भाई साहब, बाहर गए थे ना बाइक पे उस वजह थक गए, कुछ मुझे टेंशन भी हो रही थोड़ा, मुझे प्रोग्राम कैंसिल सा लग रहा है मुझे, जो मनीष मना कर रहा है वैसे करेंगे हम जाएंगे, टेंशन हो रहा है, जब कोई टेंशन ना लो बिल्कुल भी, हम है ना दोनों तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, एक तो कोई बड़ों को टेंशन लेनी चाहिए हम दोनों को, मतलब आप टेंशन ना लो बिल्कुल, गूगल से पूछो कोई अच्छी सी मेरी लड़की बताए को, अब तो शादी करवानी पड़ेगी इनकी जल्दी से वो चल रही ना वीडियो गूगल गूगल मैं आपको क्या लगता हूँ तो मैं पूछूं गूगल, मैं आपको होने वाला पति लगता हूँ मैं पूछूं गूगल गूगल मुझे बताए कोई सुंदर से सुंदर सी लड़की तो जी बस हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी थी, हाँ उनकी गुड नाइट, तो उनकी हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी थी ना रात के टाइम, हमने देखे टाइम देखे आपको दिखेगा तो 12:30 बज रहे, मैंने ठीक ही ना 12:20 कर दिया था, इन्होंने 1 मिनट पहले कर दिया था वैसे मुझे भी और उसके बाद बस तो सुबह के टाइम ही सेलिब्रेट होगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने की, क्योंकि पता नहीं इस बार भगवान जी ने ठीक करा या गलत करा, वो तो मुझे वो तो भगवान जी के ऊपर बात है, पर मुझे अपनी माता रानी पर कान्हा जी पर पूरा विश्वास है, जो करा होगा उन्होंने ठीक करा होगा, समझे? ठीक है बिल्कुल। तो ज़्यादा हम सोच विचारते नहीं, और सोच रखा था हमने बहुत कुछ सोच रखा था, हमें नहीं पता था एकदम से हमारे ऊपर ऐसा भी कुछ होएगा, मैंने तो 1% नहीं सोचा था, मैंने क्या इन्होंने भी 1% नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, पर जो भगवान जी को मंजूर था हुआ वही है, कोई नहीं ना, बस हमने ना आज के दिन का ना इतना कुछ सोच रखा था, ये करेंगे वो करेंगे, बाहर जाएंगे फैमिली के साथ में, वहाँ पे नाश्ता डिनर जो भी है सब बाहर घूमने जाएंगे सोच रखा था, कोई नहीं आज के दिन हवन भी सोच रखा था हमने, हवन करवाएंगे, केक कटिंग करेंगे, बड़े से सेलिब्रेशन करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, मैं बहुत खुश हूँ ये मेरे साथ है शर्माने वाली कोई बात नहीं है, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, मैं तो देखो खुलम खुला बोल रही हूँ, मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार बहुत ज़्यादा, अरे बेचारा भी धन परेशान हो रहा हो बेचारा, सोई नहीं रहा, 12:30 बज गई की तबीयत खराब, एक लो रिप्लाई नहीं करा इन्होंने मेरे जवाब का, ना रहने दो बस अपनी, अब मैंने सुनते मेरा कान बंद हो गया, अब खुल गए तो मेरे कान तो बंद हो गए थे फिलहाल, इन्होंने रिप्लाई तो करा नहीं, इस चीज से मैं सैड हो गई, ना बस रहने दो फायदा क्या बोलने का, जब मैंने इतने प्यार से बोला इन्हें इन्होंने रिप्लाई तक नहीं करा, आई लव यू टू, चलो ले लूँगी तो आप सुबह को मिलते हैं आपसे, गुड नाइट बाय बाय, और आप कमेंट करोगे उसके लिए पहले एडवांस में थैंक यू सो मच सभी को, सभी को बाय बाय, सुबह को मिलते हैं, गुड नाइट। तो उठ चुके हैं हम सारे के सारे, मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ क्लिनिक के लिए, और ये देखिए क्या चल रही है, चाय गंजा, मेरा नाश्ता आ चुका है, नमक की रोटी, तो नाश्ता ये रहा मेरा, और ये भी उठ चुका है छोटे वाला, और आज जो है हमारी शादी की सालगिरह है, आप सबको पता होगा, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं, तो लेकिन आप सभी को हमारी ओर से पहले ही थैंक यू बहुत सारा, कि कमेंट करने का रिप्लाई टाइम नहीं मिलता, तो ना आ गया पहले ही 4-5 दिन पहले से आने शुरू हो रहे हैं,
तो उनको भी थैंक यू क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, आपको पता है क्या सीजन है। वो देखिए चॉकलेट कौन लाया हमारे लिए, दो चॉकलेट लाया एक मेरे लिए, किसके लिए। तो मैं नाश्ता करता हूँ और फिर हम, वैसे तो हम कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे आज, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें पता है क्यों नहीं कर रहे, और अगले साल माता रहना चाहिए बहुत अच्छे से करेंगे हम। इसकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, विधान की भी हो रही है, इसकी भी, मतलब सभी ऐसे हो गए हैं। क्या बताया, विधान तो रो ही रहा है तब से, बैग पैक मार दो तो चुप वरना तो रोना रोना। अभी तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? फिलहाल तो मैं तो बेटर फील कर रही हूँ बहुत पहले से, मतलब पहले तो मुझे कमजोरी भी आ रही थी, अब कमजोरी है पर इतनी नहीं है, पहले से ठीक हूँ। और आज शादी की सालगिरह है हमारी, सुबह तो हो ही चुकी है, रात बात करी थी हमने आपसे और सुबह हो चुकी है। सुबह के टाइम तो बस हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे आज, ये करेंगे तो भी करेंगे क्योंकि मेरी तो हालत भी नहीं है, मतलब बाहर भी निकलने नहीं दे रहे इस वजह से। और बस थोड़ा वरना वही रात बताया था आपको कि बहुत कुछ सोच रखा था, कोई नहीं अगले साल करेंगे अच्छे से, वरना मैंने तो सोच रखा था मगर अगले साल ना 6 महीने को हो जाएगा या हो जाएगी हमारे शादी के टाइम पे, ये सोच रखा था। ये देखिए इन्हें क्या मस्ती छा रही है, डांस करते नाश्ता करते करते पागल है, बदतमीज लड़की है। अच्छे जी बिल्कुल दोनों सेम है। मैं तो यार हूं ओए होए ओए होए, बिल्कुल सेंटी वाला, सेंटी वाले सही है, एंटी वाला कह रहा मैं, सेंटी वाला नहीं, सेंटी वाले, सेंटी वाले हो। एक रोटी दे दियो नमक वाली, रोटी दे दो रोटी, मैं नमक की रोटी करता हूं। अगर नहीं ना नमक की रोटी मिलती ना, रोटियों पे नमक लगा के तब खाते हैं। तो मैं गाइस मैं क्लिनिक के लिए रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, और प्रियम जो है हैप्पी मैरिज अनिवर्सरी मोटो, थैंक यू। आज 1 साल पूरा हो चुका है हमारी शादी को, तो मोटो के लिए कुछ नहीं कर पाया उसके लिए, मोटो सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा कर दिया है जी, है ना, बोल लो मेरे को भी। तो ठीक है मैं फिलहाल तो क्लिनिक जा रहा हूँ क्योंकि पेशेंट भी आने हैं, बोल रही थी आज मत जाओ, लेकिन पेशेंट भी देखने पड़ते हैं, सब चीज़ देखनी पड़ती है, फोन भी देखना पड़ता है, फोन भी आ चुका है। तो ठीक है भैया मैं चलता हूँ, बाय बाय, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया हरा मोटो तो हिम्मत बहुत ही खत्ती है वो मुझको भी। चलो ठीक है बाय बाय, ठीक है बाय फ्रेंड, में मिलता हूँ आपसे शाम को, ठीक है। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलोगे, हाँ नेक्स्ट व्लॉग में, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि लोग जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं ना उतने सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए हमारे व्लॉग को, हमारे चैनल को। बाय बाय।